sample collection support. लैब टेस्ट के लिए पेशेंट का ब्लड सैंपल लेने की प्रक्रिया को फ्लेबोटमी कहते हैं। जिस प्रोसेस में नीडल को वेन के अंदर इंजेक्ट करके ब्लड कलेक्ट करते हैं और इस प्रक्रिया को करने वाले को फ्लेबोटमिस्ट कहते हैं। रिक्वायरमेंट फॉर ब्लड कलेक्शन। Syringes, devices used to inject medication into or withdraw fluid from the body. सीरिंज शरीर में दवा को इंजेक्ट करने या तरल पदार्थ निकालने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण। टेस्ट ट्यूब पर रख नली। ट्यूब का उपयोग रासायनिक प्रयोगों को रखने, मिलाने और गर्म करने के लिए किया जाता है। उनका उपयोग रक्त के नमूने जैसी चीजों के लिए संग्रह उपकरणों के रूप में भी किया जाता है। स्पिरिट। सिप्रेट तरल संक्रमण को रोकने में मदद करता है, जिसे अस्पताल में सुई देते समय उस सतह पर कीटाणुनाशक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कॉटन का उपयोग ड्रेसिंग करने के लिए किया जाता है, रक्तस्राव को रोकने के लिए किया जाता है। टॉर्निकेट। टूर्निकेट स्तन बैंड होते हैं जिनका उपयोग रक्त के प्रवाह को पूरी तरह से रोकने के लिए किया जाता है। टेस्ट के लिए पेशेंट्स का ब्लड सैंपल कैसे लेते हैं? ब्लड सैंपल लेने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान देना होगा। एक स्टोन आपको ऊपर दिए गए रिक्वायरमेंट को पास रख लेना है।
उसी के हिसाब से आपको टेस्ट ट्यूब लेना होगा और कितना मिलीलीटर ब्लड लेना है उसी के हिसाब से ही सरिंज का चयन करना है। ब्लड कलेक्शन कैसे करें? स्टेप पॉइंट वन, पेशेंट आइडेंटिफिकेशन। फर्स्ट आपको पेशेंट का आइडेंटिफाई करना है। नेम, डेट ऑफ बर्थ सब नोट कर लेना है। इस आइडेंटिफिकेशन की जरूरत टेस्ट रिपोर्ट निकलने में ऐड करने के काम आता है। स्टेप पॉइंट टू, अब आपको ये डिसाइड करना है कि कितना ब्लड आपको कलेक्ट करना है। उसके लिए आपको क्या क्या टेस्ट है उसे चेक कर लेना है और उसी टेस्ट लिस्ट को देखते हुए आपको टेस्ट ट्यूब लेना है। स्टेप थ्री, नेक्स्ट आपको नीडल को सिरिंज में फिक्स कर लेना है और सिरिंज का एयर पास एक बार जरूर चेक कर ले। स्टेप फोर, अप्लाई टोनके। अब आपको टोनके को पेशेंट के हैंड में बांधना है। उसके लिए टोनके को एल्बो जॉइंट ठीक ऊपर टाइट बांधना है और पेशेंट को मुट्ठी बंद करने को बोलिए, जिसके बाद ब्लड ऊपर वेन्स में आ जाता है और नस फूल जाती है और ब्लड लेने में आसानी हो जाती है। स्टेप फाइव, अब आपको स्पिरिट कॉटन में लेकर जिस उभरी वेन से ब्लड लेना है वहां स्किन को क्लीन करना है। स्टेप सिक्स, अब जिस वेन में नीडल इजेक्ट करना है इस वेन को बाएं हाथ के अंगूठे से दबा कर रखें, जिससे नीडल इजेक्ट होने में स्लिप ना हो। अब सरिंज ले और नीडल को वेन में इंजेक्ट करें। सरिंज में ब्लड आ जाने पर अब ऊपर बांधे गए टोनके को ढीला कर दे और पेशेंट को मुट्ठी खोलने को बोले और अब आवश्यकता अनुसार ब्लड सरिंज में एकत्रित कर ले। स्टेप सेवन, ब्लड ले लेने के बाद धीरे से सरिंज को पीछे करके निकाल ले और लेफ्ट हैंड से स्पिरिट लगे कॉटन से जहां पर नीडल इंजेक्ट किया गया था वह पर दबा कर रखे।
स्टेप 8, आप टोनके को निकाल ले और पेशेंट हैंड को ऊपर करके थोड़ी देर तक मोड़ने को बोले। अब आपने सरिंज में ब्लड का सैंपल ले लिया है। इसके बाद सरिंज से नीडल को निकाल दे और नीडल डिस्ट्रॉय कर दे और ब्लड सैंपल टेस्ट ट्यूब में डाल दे और टेस्ट ट्यूब पर पेशेंट का नेम एज भी लिख सकते हैं। टेस्ट ट्यूब को हल्के से साके करने के बाद रखे। ये आपका ब्लड कलेक्शन करने का स्टेप कंप्लीट हो गया। मीडियन क्यूबिटल नस शरीर में सबसे प्रमुख सतही नस है और कोहनी के अंदरूनी हिस्से में ज्यादातर लोगों में आसानी से देखी जा सकती है। यह बेसिलिक और सेफेलिक नसों को जोड़ता है। इस नस का महत्व वेनिपंचर में इसका उपयोग है, वह प्रक्रिया जो प्रयोगशाला परीक्षण के लिए रक्त एकत्र करती है। चूंकि यह देखना आसान है, माध्यिका क्यूबिटल शिरा का उपयोग नियमित रूप से रक्त खींचने के लिए और एक अंतःशिरा एक प्रवेशनी रखने के रूप में किया जाता है। बेसिलिक नस हाथ की हथेली से चलती है और एक लंबी हड्डी जो आपकी कोहनी से आपकी उंगली तक फैली हुई है और पिंकी उंगली से चलती है। बेसिलिक नस को सतही माना जाता है क्योंकि यह आपकी त्वचा की सतह के पास होती है। यह अक्सर भीतरी बांह में दिखाई देता है। बेसिलिक नस का कार्य आपके हाथ और बांह के हिस्सों से रक्त निकालना है ताकि यह हृदय और फेफड़ों में वापस जाकर ऑक्सीजन युक्त हो सके और फिर से पंप हो सके। सेफेलिक नस कट डाउन कुछ उपचारों जैसे कि हृदय पेसमेकर का आरोपण, दवा देने, रक्त निकालने या सर्जरी के लिए अन्य सहायता प्रदान करने के लिए एक स्वस्थ सुरक्षित नस की आवश्यकता होती है।